हेलो एवरीवन। देखिए, आज की क्लास में हम लोग अरेंजमेंट 7 डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने 6 अरेंजमेंट किए होंगे। इन केस अभी तक आपने नहीं किया है, पहली बार आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है। टोटल 6 सेट अभी तक जितने भी हमने कराए हैं, सभी के जो है यहाँ पे PDF और सभी के यहाँ सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। अरेंजमेंट एंड DI से टोटल 50 सेट हम लोग कराने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो 75 क्वेश्चन आ रहा है CO QP 12 में, तो DI से 5 क्वेश्चन एंड अरेंजमेंट से नियर अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे। 20 मार्क्स आपके जो है यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे, जो ये सीरीज चल रही है। टोटल 50 सेट होंगे, 25 अरेंजमेंट, 25 DI। प्रोसेस क्या है, एक बार आपको खुद से सॉल्व करना है। PDF हम आपको जो है एक दिन पहले शेयर कर देते हैं टेलीग्राम पे, आप एक बार उसको खुद से प्रैक्टिस करिए, देन वीडियो सॉल्यूशन देखिए, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 50 सेट आपके एग्जाम के लिए इनफ है, किसी अदर रिसोर्स से आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए देन सेट नंबर 7 डिस्कस करते हैं। 7 देखिए क्या कह रहा है कि 7 बॉक्सेस आर अरेंज इन टॉप टू बॉटम। ईच बॉक्सेस है डिफरेंट कलर, ठीक है, और ये सेम ऑर्डर में नहीं है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या दिया गया है कि बॉक्स सी इज बिटवीन द बॉक्स है व्हाइट कलर एंड जी, ठीक है ना। सी जो है किसके बीच में है, ये व्हाइट कलर का कोई बॉक्स होगा। व्हाइट कलर का कोई बॉक्स है, उसके बीच में कौन है, सी है। बॉक्स सी इज बिटवीन द बॉक्स है व्हाइट कलर एंड जी, और फिर जो है व्हाइट कलर और जी के बीच में कौन है, सी है। या तो ये ऐसे भी हो सकता है, दूसरा और कैसे हो सकता है, ये यहाँ पे तो सॉल्यूशन बना लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। एंड दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पे जी हो, यहाँ पे सी हो और यहाँ पे व्हाइट कलर हो, ठीक है, इसको बाद में बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। द बॉक्स हैज येलो कलर इज केप्ट इमिडिएटली अबव टू द बॉक्स हैव ग्रीन कलर। अब देखिए, जो भी ग्रीन कलर का बॉक्स होगा, इसके ठीक ऊपर जो है येलो कलर का बॉक्स होगा। तो एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये आ गई। ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन जी एंड ई, हु हैव पर्पल कलर। अब देखिए, यहाँ से हम लोग जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। जी और ई के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो हम यहाँ पे जी कर लेते हैं, ठीक है, ब्लू से करते हैं। हम यहाँ पे जी कर लेते हैं और 3 बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3 और ई। ई का क्या कलर है, पर्पल। नेक्स्ट क्या दिया गया है, बॉक्स ए इज केप्ट अबव टू जी बट नॉट इमिडिएटली अबव जी। ए जो है जी के ऊपर है, लेकिन ठीक ऊपर नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ और होगा, फिर यहाँ पे ए होगा। देखिए, टोटल 7 बॉक्सेस थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो चुका है और ये बिल्कुल सही भी है। क्यों, जी और ई के बीच में 3 थे, तो ये 3 हो गया, और जी के ठीक एक गैप होने के बाद, एक बॉक्सेस का गैप होने के बाद कौन है, ए है, तो यहाँ तक सब कुछ हो चुका है, ठीक है ना। नंबर ऑफ द बॉक्स केप्ट बिटवीन ए एंड जी सेम एज जी एंड बी। अब देखिए, जी और ए के बीच में जितने बॉक्सेस का गैप है, सेम गैप जो है जी और बी के बीच में है, तो जी और ए के बीच में कितने का गैप है, एक का, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बी, ये भी कंफर्म हो गया। यहाँ किसी को कोई डाउट है कि यहाँ बी क्यों लिखा, इस वाली लाइन को देखिए, नंबर ऑफ द बॉक्स केप्ट बिटवीन ए एंड जी सेम एज जी एंड बी, ठीक है ना, इनके बीच में जो गैप है वो सेम है, ठीक। अब देखिए, बी का जो कलर है ये वाइट है, ठीक, तो बी का कलर जो है ये वाइट हो गया, ये कंफर्म हो गया। अब आप हमें ये बताइए कि ये जो हम लोगों ने पहला नोट बनाया था क्या था, सी जो है वाइट कलर और जी के बीच में है, ठीक है ना, तो आप देखिए ये वाइट कलर यहाँ हो गया, जी यहाँ हो गया, तो सी यहाँ पे होगा, ठीक, ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है ना। ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन द बॉक्स है ब्लू कलर एंड बॉक्स है ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक के बीच में एक का गैप है, ठीक है ना, देख लेंगे इसको बाद में। द बॉक्स हैज रेड कलर इज केप्ट इमिडिएटली अबव 2H, ठीक, रेड जो है ठीक H के ऊपर है। सी डज नॉट हैव ग्रीन कलर, सी का जो कलर है ये ग्रीन नहीं है, तो ग्रीन नहीं है तो G लिख के कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, ये ग्रीन कलर नहीं है। इस वाली लाइन को देखिएगा, द बॉक्स हैज रेड कलर इज केप्ट इमिडिएटली अबव 2H,
ठीक, द बॉक्स हैज रेड कलर इज केप्ट इमिडिएटली अबव टू एच, एच के ठीक ऊपर जो है ना रेड कलर है, तो आप हमें ये बताइए, एक गैप तो हमें यहाँ दिख रहा है और एक गैप हमें यहाँ दिख रहा है, और सब तो फिल हो चुका है, ठीक है ना, कलर अभी नहीं कंफर्म है लेकिन ये बॉक्सेस तो हो चुके हैं। अगर एच हम अगर यहाँ पे बना लें, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके ठीक ऊपर जो है ये वाइट कलर है और होना क्या चाहिए, रेड कलर होना चाहिए, तो यहाँ पे तो एच होगा नहीं, तो एच कहाँ पे होगा, एच यहाँ पे होगा, और ये जो ए है इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड, यहाँ पे लिख लेते हैं रेड। किसी को कोई डाउट है इसमें कि एच यहाँ पे क्यों लिखा गया, कोई डाउट हो तो बताइए। सबसे पहले हमने क्या किया, जी और ई बना लिया, इसके बीच में थ्री गैप कर दिया, ठीक, उसके बाद से क्या था, उसके बाद से ये था कि जी के ठीक ऊपर एक बॉक्स है, उसके ऊपर ए है, तो ए बना लिया, फिर एक इन्फॉर्मेशन था कि जी और ए के बीच में जितने भी गैप हैं उतना जी और बी के बीच में है, तो इसका मतलब बी यहाँ पे होगा, और एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये था, ठीक है ना, कि वाइट कलर और जी के बीच में सी है, तो वाइट कलर और जी के बीच में सी है, तो यहाँ तक सब कुछ डन, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक हमारे पास बॉक्स है, यहाँ पे कौन सा बॉक्स होगा, ठीक है ना, डी रह गया है ना, तो यहाँ पे बॉक्स डी होगा, तो सारे बॉक्सेस बन चुके हैं, अब हमें केवल कलर को जो है कंफर्म करना है, ठीक है, तो देखिए ये रेड हो गया। अब एक क्या था कि यहाँ पे ग्रीन नहीं होगा, ठीक, अब यहाँ पे अगर ग्रीन नहीं होगा तो ग्रीन के ठीक ऊपर येल्लो है, तो यहाँ पे ग्रीन नहीं होगा, इसका मतलब ये जो जी है ये येल्लो भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जी के ठीक ऊपर क्या होना चाहिए, येल्लो होना चाहिए, तो यहाँ पे जी नहीं तो यहाँ पे येल्लो भी नहीं, ठीक। अब देखिए, हम यहाँ पे भी जो है येल्लो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ अगर येल्लो करेंगे तो फिर यहाँ ग्रीन होना चाहिए, ठीक, और यहाँ पे ग्रीन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रीन करेंगे तो ठीक इसके ऊपर येल्लो होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये कुछ हो नहीं पाएगा, तो एक काम यहाँ पे करते हैं, सी ग्रीन नहीं होना चाहिए ना, तो जो अगर सी ग्रीन नहीं है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं, जी को ग्रीन कर देते हैं, और जब जी को ग्रीन करेंगे तो ठीक इसके ऊपर क्या होगा, येल्लो, क्योंकि जी के ठीक ऊपर क्या है, येल्लो, ठीक है। अब देखिए यहां तक सब कुछ बन चुका है, अब एक इंफॉर्मेशन और है, ठीक है, उस पे देखते हैं क्या था, ये ब्लू और ब्लैक वाला कहाँ गई वो लाइन, ओनली वन बॉक्स गेट बिटवीन द बॉक्स है ब्लू कलर एंड द बॉक्स है ब्लैक कलर, ठीक है। अब देखिए डी के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन था ही नहीं, और सी के बारे में सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन था कि ये ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो देखिए ये था ना कि ब्लू और ब्लैक के बीच में एक बॉक्स का गैप है, तो देखिए इसे जो है ब्लू कर सकते हैं और इसे ब्लैक कर सकते हैं, इसके बीच में एक बॉक्स का गैप हो गया, या इसे ब्लैक कर सकते हैं इसे ब्लू कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, एक बार हम इसको फिर से रिपीट भी करते हैं, एक बार जो है इसका ओवरव्यू आप देखिए, ठीक है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको हम एक सेकेंड के लिए कुछ इरेज करते हैं, अब इसको जो है एक बार देखिए कैसे था, सेवन बॉक्सेस थे, ठीक है, एंड डिफरेंट कलर के हैं, तो बाद में देख लिया जाएगा, अब हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक, क्या था कि सी इज बिटवीन द बॉक्स है वाइट कलर एंड जी, तो देखिए सी जो है ना वाइट कलर और जी के बीच में है, तो ये जी ऊपर भी हो सकता है, वाइट कलर नीचे हो सकता है, सी यहाँ बीच में हो सकता है, तो या तो एक पैटर्न ये होगा या दूसरा पैटर्न ये होगा, हमने इसको बना के लिख लिया है कि हमें स्टेटमेंट में फिर ना आना पड़े। नेक्स्ट, द बॉक्स हैज येल्लो कलर इज केप्ट इमिडिएटली अबव टू द बॉक्स हैव ग्रीन कलर, ग्रीन के ठीक ऊपर येल्लो है, ये हमने लिख लिया है, अब हम इस लाइन को पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है ना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, पढ़ के आप तुरंत एक एरो साइन बनाए रहिए। ओनली थ्री बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच में थ्री बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे जी कर लिया, यहाँ पे ई कर लिया, थ्री बॉक्सेस बना लिया, ठीक, यहीं से हिंट था पूरा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट बिटवीन ए एंड जी, अच्छा एक लाइन ये छूट रही है, बॉक्स ए इज केप्ट अबव टू जी बट नॉट इमिडिएटली अबव जी, जी के ऊपर ए है लेकिन ठीक ऊपर नहीं है, एक बॉक्स का गैप देन ए, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि जी और ए के बीच में जितने बॉक्सेस का गैप है,
ठीक है ना, सेम उतना ही जो है जी और बी के बीच में है, इसका मतलब बी यहाँ पे होगा, और बी का कलर व्हाइट दिया गया है और ई का कलर जो है पर्पल दिया हुआ है, तो ये हमारा हो चुका था, बी व्हाइट है, ई पर्पल है, डन। जी की पोजिशनिंग भी यहाँ पे फिक्स थी। अब क्या था, ये जो हमें रखना था, सी का जो पोजिशन फिक्स करना था, व्हाइट कलर और जी के बीच में सी है, तो ये देखिए ये व्हाइट कलर है और ये जी है, इसके बीच में सी है, तो ये भी कंफर्म हो गया था। ठीक, उसके बाद से ये वाली जो लाइन थी कि द बॉक्स हैज रेड कलर इज केप्ट इमिडिएटली अबव 2H, ठीक है, एच के ठीक ऊपर जो है रेड कलर है, तो ये देखिए हम यहाँ पे एच रख नहीं सकते क्योंकि यही दो स्पेस रह गया था, ए का तो भी फाइनल था ना पोजीशन, एच यहाँ रखते तो ठीक इसके ऊपर रेड करना पड़ता और ये वाइट पहले से कंफर्म हुआ है, तो एच यहाँ रख नहीं सकते, तो एच यहाँ पे रखा और रेड इसको फाइनल कर दिया, हो गया था यहाँ पे। फिर दिया था कि सी का कलर जो है ग्रीन नहीं होगा, तो आप हमें ये बताइए जब सी का कलर ग्रीन नहीं होगा तो ग्रीन के ठीक ऊपर येल्लो रखना पड़ेगा, तो सी का कलर अगर ग्रीन नहीं है तो ये जो जी है इसका कलर येल्लो भी नहीं होगा, फिर क्या करें, तो इसको ग्रीन रख दिया और इसको येलो रख दिया, क्यों, क्योंकि ये वाला जो स्पेस था, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम इसको ग्रीन करते तो ठीक ऊपर येलो रखना पड़ता, तो ये भी नहीं हो पाता, तो यहाँ पे क्या किया, ग्रीन और यहाँ येलो, और ब्लू और ब्लैक के बीच में एक बॉक्स का गैप है, तो ये ब्लू हो गया और ये ब्लैक हो गया, लेकिन ये ब्लू होगा कि ब्लैक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। अब अगर सी का कलर अगर पूछेगा तो आइदर ब्लू होगा या ब्लैक होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स केप्ट ऑन टॉप, तो सबसे टॉप पे कौन सा है, ए है, ठीक है ना, सबसे टॉप पे क्या है, ए, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, हाउ मेनी बॉक्स केप्ट बिटवीन ई एंड रेड, देखिए रेड सबसे टॉप पे है और ई सबसे टॉप ये बॉटम पे है, तो इसके बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो ये जो है 5 हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स केप इमिडिएटली अबव 2E, ई के ठीक ऊपर क्या है, ई के ठीक ऊपर क्या है, डी, ई के ठीक ऊपर क्या है, डी, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम बॉटम, बी की पोजीशनिंग जो है बॉटम से कौन सी नंबर पे है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ बॉक्स एच है, तो एच का कलर क्या था, येलो था ना, एच का कलर क्या था, येलो था, एच का कलर क्या था, येलो था, सिंपल था। टोटल 5 जो है किसके सही हुए, चैट बॉक्स में बताइए, इसमें देखिए इसके जितने भी क्वेश्चन थे ना, अगर वो बन चुका है तो सिंपल है, इसमें जो क्वेश्चन है वो सिंपल है, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें, बहुत अच्छी बात है, सभी के सही है। तो देखिए अगर 7th पजल की बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है नहीं, अभी तक आपने 6 सेट किया हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है ना, 3 इन्फॉर्मेशन रहती है, यहाँ पे क्या था, एक तो बॉक्स था और उसका कलर था, तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे ये 2 इन्फॉर्मेशन वाले आएंगे, अभी हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखे थे उसमें क्या था, 3 इन्फॉर्मेशनल था, ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन, तो हम आपको बस प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, क्योंकि जब आप 3 वाले कर लेंगे ना तो 2 वाले इजी लगने लगेंगे, और आएगा कितना, तो हमने जो बनाया है इसका रीजनिंग एंड डीआई का, तो टोटल 25 क्वेश्चन हमने रखा है, 75 है लैंग्वेज को, 20 रख दिया है रीजनिंग एंड डीआई को, 25 रखा है क्वांट को, 30 रखा है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है ना कि डीआई के लिए 5 फिक्स कर दिया है, क्योंकि पहले 10 आता था तो इस बार जो है ऑन श्योर 5 तो आएगा ही आएगा, अब रीजनिंग के लिए 20 रह गया, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि इतना टफ लेवल आएगा, रीजनिंग में हमेशा जितना भी हमने पढ़ाया है हमेशा इजी आया है, आपको केवल क्वांट पे मेहनत करना है, रीजनिंग और डीआई में सभी क्वेश्चन आपके सही होंगे,
बस आपको एक लॉजिक फॉलो करना है, क्या DI तो सिंपल ही रहेगी, इसको आप पहले भी कर सकते हैं। एंड रीजनिंग में जो 20 क्वेश्चन होगा ना, ये जो पजल से आप डर रहे हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम 3 लाइनर रहेगा, 3 से 4 लाइन की पजल रहेगी, ठीक है। जैसे भी आपको ये वाला दिखाया, ये वाला इजी था, 7th वाला आप बताइए इजी लगा कि नहीं आपको, कुछ था इसमें। 7th और 8th, ये बिल्कुल NTA पैटर्न 2024, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अभी तक तो हमने आपको थोड़ा सा लेंदी भी इसलिए करा दिया ना कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी। तो अभी इस 20 में ये जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है, नियर अराउंड मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम अगर होंगे तो 3 to 4 होंगे, इसको आप लास्ट में करिए, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अरेंजमेंट 8 डिस्कस करेंगे, इसकी PDF टोटल जो है 3 to 4 क्वेश्चन है इसमें, तो अरेंजमेंट 8 की PDF जो है सेम इसी प्रोसेस से हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप एक बार इसको सॉल्व करिए, देन कल 1 PM पे इसके वीडियो सॉल्यूशन को अपडेट करते हैं।